On behalf of University of Kashmir, I extend my sincere thanks to Dr. Mohammed Hayat, Head of the Department of Endocrinology, Super Speciality Hospital, Government Medical College, Srinagar. He has played a pivotal role in shaping the endocrinology department at Super Speciality Hospital. It is Dr. Hayat who introduced hardcore endocrinology to us, by way of which lot of diseases which were unknown got unraveled. So he is not only a diabetes knowing doctor, but a pioneer in the hardcore endocrinology field. It is because of him we know about metabolic and androgenic diseases. Lot of work is in his credit on infertility and PCODs. आज की डेट में यहाँ मेल्स भी और फीमेल्स भी हम देख रहे हैं, कम से कम 20-25% पेशेंट्स जो डायबिटीज के हैं उनको फैटी लिवर ग्रेड 3 और उसके बाद क्रॉनिक लिवर डिजीज डायग्नोस हो रही है। वजह यह है कि काफ़ी सारा ओबेसिटी बहुत है इन डायबिटिक्स में और जो दवाइयाँ हैं वो ठीक तरह से नहीं ले रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है लैक ऑफ नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ पेशेंट, दूसरा लैक ऑफ गेटिंग मेडिकेशंस, जो एक्सेसिव मेडिसन्स हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। खासकर हमने देखा अर्बन में एरियाज़ में नहीं है बट रूरल एरियाज़ में है। तो इस साल का अगर आप थीम देखेंगे वर्ल्ड डायबिटीज डे का था कि एक्सेस टू हेल्थ डायबिटीज केयर, दैट दिस डायबिटीज केयर शुड नॉट बी गिवन टू, शुड नॉट बी द प्रिविलेज ऑफ फ्यू पर्संस इन लिविंग इन द रूरल दिस अर्बन एरियाज। इवन रूरल एरियाज में भी दे द पेशेंट शुड हैव एक्सेस टू डायबिटीज केयर, जो कि बहुत दूर दराज इलाकों में नहीं है। इफ़ यू सी कॉस्ट ऑफ केयर इन डायबिटीज जो 10 साल पहले इंडियन पॉपुलेशन में था, रूरल एरियाज में इट वॉज अबाउट 6,000 रुपीज़ पर मंथ एंड 10,000 रुपीज़ पर मंथ इन सिटीज़। और तो आज की डेट में एक डिकेड लेटर इट विल बी डबल। तो ऐसे मरीज कहाँ से लाएंगे? जब आपको फिर इसके बाद कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे तो डायबिटीज़ का खर्चा, किडनी फेलियर का खर्चा, लिवर फेलियर का खर्चा, आंखों के डॉक्टर का खर्चा, टेस्ट्स का खर्चा, अटेंडेंट साथ होना, अटेंडेंट के वर्क आवर्स, पेशेंट के वर्क आवर्स तो हो गए, दो अटेंडेंट साथ हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, तो आप देखिए कितना ये इसमें फिर जो कॉस्ट ऑफ केयर बढ़ता है। सो वो देख कर हमें ये है, वी हैव टू सी कि डायबिटीज़ को पहले ही प्रिवेंट करें। जब आपको डायबिटीज़ है, या अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपके घर वाले को है, आपके घर में किसी को है, प्रिवेंट डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ प्रिवेंटेबल है। बट वंस यू गेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ इट्स नॉट प्रिवेंटेबल, दैट टाइम द कॉस्ट ऑफ केयर विल इंक्रीज मैनी फोल्ड एंड दैट टाइम देन यू विल हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जिससे डायबिटीज़ असर नहीं करता है। 19th सेंचुरी में बोलते थे सिफिलिस, आतशक, आतशक कश्मीरी में बोलते हैं इसको आतशक। इफ़ समवन हैज सिफिलिस तो सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते थे। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी में बोलते थे इफ़ यू नो सिफिलिस यू नो होल मेडिसिन। अगर आपको सिफिलिस का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट पता है, आपको सब मेडिसिन आएगा, क्योंकि ये हर एक ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। आजकल के दौर में मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये कॉमन कोट है डॉक्टर्स को, इफ़ यू नो डायबिटीज यू नो होल मेडिसिन, बिकॉज देयर इज नो ऑर्गन विच इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायबिटीज ब्रेन में लीजिए, कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है, याददाश्त खत्म हो जाती है। देयर इज़ वन टर्म कॉल्ड टाइप 3 डायबिटीज। टाइप 3 डायबिटीज इज डायबिटीज विद अल्जीमर्स डिजीज, क्योंकि इनको एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, जो अंदर ब्रेन की जो वेसल्स होती हैं वो सुकट जाती हैं, याददाश्त कम हो जाती है, उसको कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो जाती है। आंखों में लेंस में प्रॉब्लम, रेटिना में प्रॉब्लम, अच्छा स्किन में प्रॉब्लम। हमने 10 साल पहले डायबिटीज़ में स्किन इन्वॉल्वमेंट जो है पब्लिश किया, तो देखा कि काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स यहाँ हो जाती हैं डायबिटीज़ की। अभी पिछले कई दिनों में, एक हफ्ते पहले मैंने देखा एक पेशेंट को डायबिटीज़ 400-500 शुगर और पीछे से उसको इतना बड़ा फोड़ा और उसको मल्टीपल सीव्स थे, या कश्मीरी में बोलते हैं पंबलखर। सो ही हैड अ कारबंकल।
आज की डेट में अगर ऐसे पेशेंट आपको मिले तो इट्स अ सैड स्टोरी कि आज भी आपको पेशेंट्स मिल रहे हैं डायबिटीज़ के, जिनको जो मर रहे हैं इन्फेक्शन से, जो मर रहे हैं स्ट्रोक से, जो मर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज से, जो मर रहे हैं रिनल फेलियर से। जो मैक्सिमम जो हॉस्पिटल एडमिशन्स थे वो सिर्फ इन्फेक्शन्स की वजह थी, उसके बाद स्ट्रोक, उसके बाद रिनल फेलियर और हार्ट फेलियर। तो क्या वजह है कि अभी भी हमारे पेशेंट्स को डायबिटीज़ केयर का पूरा इल्म नहीं है, मिल भी नहीं रहा है। इसमें बहुत सारी वजूहत भी हैं, एक तो ये है कि फैसिलिटीज़ कम है, दूसरा ये है कि डॉक्टर्स की कमी भी है, और डॉक्टर्स की कमी होने के साथ साथ डॉक्टर्स का भी एक इनर्शिया है। देयर इज़ वन कंडीशन कॉल्ड, एक तो हो गया पेशेंट इनर्शिया, पेशेंट चुन माना नहीं इलाज कर, नर्स बिकेज कर इंसुलिन, वन इंसुलिन गो लास्ट स्टेज, इंसुलिन चुन लास्ट स्टेज, इंसुलिन चुन गुड स्टेज, बिकॉज ये बचाए तुम्हें किडनी, ये बचाए हार्ट, ये बचाए लिवर, ये बचाए अच। बट जब उसको बोलते हैं ना वन इंजेक्शन कर, नर्स बिकेज कर, ही टेक्स इट एज ए पर्सनल फेलियर, उसको लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम लगता है, उसको लगता है कि स्टिग्मेटा, अगर मैं इंजेक्शन कर मे मानन हुई बह क्या कर। आई हैड वन पेशेंट, इंटरेस्टिंगली आई विल टेल यू, शी वॉज अ पेशेंट, प्रेगनेंट हो गई वो, तो घर वालों को पता या नहीं था कि मुझे डायबिटीज़ है, और जब उसको इंजेक्शन करने पड़े चार इंजेक्शन, क्योंकि प्रेगनेंसी में शुगर फास्टिंग 95 से नीचे रहना चाहिए और खा पी के 120, यू विल नॉट बिलीव द शी टोल्ड मी डॉक्टर साहब बोशस वॉशरूमस में इंजेक्शन करा, 4 times a day she would go to the washroom and do injections. ये अभी भी हमारे सोसाइटी में इतनी स्टिग्मेटाइजेशन है कि इंसुलिन करना इट इज समथिंग लाइक हैविंग ट्यूबरक्लोसिस। तो ये स्टिग्मेटाइजेशन भी दूर करने की ज़रूरत है, एजुकेशन। सो ये पेशेंट इनर्शिया है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिन फैमिलीज में डायबिटिक पेशेंट है और उनको सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली का, दे हैव शोन दैट दे डू बेटर, उनके शुगर कंट्रोल भी बेटर रहता है, बिकॉज केयर गिवर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक केयर गिवर इन डायबिटिक पेशेंट्स को अच्छा ना मिले तब तक प्रॉब्लम है। दैट्स वाई वी आर हैविंग अ मोर जेरियाट्रिक पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़, एंड उनके लिए केयर सेंटर्स खोले गए हैं। इसी तरह फिजिशियन इनर्शिया है, डॉक्टर इनर्शिया। अभी आपके पास पेशेंट आएगा, आपके 200-300 शुगर है, आपने एक गोली दी, आपने दो गोलियां दी, आपने तीन गोलियां दी, आपने चार गोलियां दी, शुगर फिर भी कंट्रोल नहीं। उसके बाद आप बोलते उसको, इसको तो इंजेक्शन करने पड़ेगा, बोल रहे नहीं सर आई वॉन्ट डू इट, आप बोल रहे चलो ठीक है कंटिन्यू करो, बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम टू टीच हिम, टू एजुकेट हिम अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर थेरेपी। सपोज ही नीड्स इंसुलिन, यू डोंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क, यू डोंट वॉन्ट टू टेक अ चांस, हाँ गिस्तनस काम वन गैरी पाथ खेस में आटस, या इफ आई स्टार्ट इंसुलिन मे बी समथिंग विल हैपन, ही विल गो टू सम अदर डॉक्टर। सो फिजिशियन इनर्शिया इज ऑल्सो देयर, पेशेंट इनर्शिया, फिजिशियन इनर्शिया, देन फैसिलिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। हालांकि वी हैव नाउ आयुष्मान भारत स्कीम है, बाकी स्कीम्स हैं, एंड यू आर गेटिंग लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट हैज हैपेंड एज फार एज मेडिकल दिस मेडिकेशंस आर कंसर्न, बट स्टिल देयर इज अ लार्ज चंक ऑफ पीपल हु कांट अफोर्ड मेडिसिन। अभी आप पेशेंट को रखते हैं दवाई 3 tablets, वो आता है 3 महीने के बाद, हाँ जी शुगर क्यों ज़्यादा है, मैंने जी एक ही टैबलेट खाई, क्यों, हड़ताल थी, कर्फ्यू था, ये था, मुझे नहीं मिला, मैंने रेशनिंग स्टार्ट की। कोई पेशेंट इंसुलिन ले रहा है सुबह 20 units, शाम 20 units, आप बोल रहे हैं शुगर को क्या हो गया, ये तो अच्छा था 2 महीने पहले, डॉक्टर साहब मैंने ऐसे किया, मैंने 10 ही किए सुबह 10 ही शाम, क्योंकि इंसुलिन नहीं मिलने वाली थी, मैंने घर से दूर था, लॉकडाउन था, एक्सेसिबिलिटी मेडिसिन की थी, मैंने हाफ ऑफ डोज कर दिया। तो दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग। तो फिजिशियन इनर्शिया, पेशेंट इनर्शिया, एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू दिस मैल केयर इन डायबिटीज। आई थिंक बाई नाउ एवरी वन नोज डायबिटीज क्या है। डायबिटीज इज जस्ट नॉर्मली वी हैव इंसुलिन हार्मोन विच सीक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, और दैट मूव्स द शुगर फ्रॉम द ब्लड इन टू द सेल्स, एंड दिस शुगर इज स्टोर्ड और यूज फॉर एनर्जी। बट इन डायबिटीज व्हाट हैपेंस, 3 किस्म के डायबिटीज ब्रॉडली हैं, एक है टाइप 1 डायबिटीज, एक है टाइप 2 डायबिटीज, और एक प्रेगनेंसी का डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज एंटायरली अ डिफरेंट, उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी देने के लिए हमेशा इंसुलिन देना है, अगर आप नहीं देंगे दोज पेशेंट्स विल गो इन टू कोमा, दे विल डाई।
हम बात करें मैक्सिमम यहाँ टाइप टू डायबिटीज़ की, जिसमें इंसुलिन निकलता है लेकिन कम नहीं निकलता है, कभी ज़्यादा भी निकलता है लेकिन अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है। दे हैव हाइपर इंसुलिनीमिया, इवन लेवल्स आर हाई बट देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज़ होने की के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन है लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, रिसेप्टर लेवल पे काम नहीं कर रहा है वो जो एक्शन करनी है इसको, और दूसरा इंसुलिन सिक्रेटरी डिफेक्ट। आपने बहुत सारे मोटे तगड़े बंदे देखे होंगे, 100 किलो, 200, 150 किलो वाले, 120, उनको शुगर नहीं होता है। दूसरा मरीज देखिए 35 kg, 40 kg, उसको डायबिटीज़, वेट लॉस, वाई? तो उस बंदे को इंसुलिन सिक्रेटरी डिफेक्ट भी है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। और जो बंदा 100 kg, उसको कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा, लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल होगा, लेकिन LFT नॉर्मल होगा, शुगर नहीं होगा। वाई? बिकॉज ना उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना उसको इंसुलिन सिक्रेटरी डिफेक्ट है। शुगर होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक इंसुलिन रेजिस्टेंस और एक इंसुलिन सिक्रेटरी डिफेक्ट। ऑफकोर्स जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज देयर, लेकिन जो ज़्यादा टाइप 1 डायबिटीज़ में है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में भी है, तो कई हार्मोन्स ऐसे हैं जो प्रीडिस्पोज कर सकते हैं डायबिटीज़ के। अभी हमने पिछले महीने एक स्टडी पब्लिश की, लेप्टिन लेवल्स, जो लेप्टिन हार्मोन ब्रेन से निकलते हैं उससे प्रीडायबिटीज़ और डायबिटीज़ हो सकती है। तो क्या कौन से वाले लेप्टिन जीन कर सकते हैं कश्मीर में, लेप्टिन जीन पॉलीमॉर्फिज्म? तो पिछले हफ्ते हमने वो देखी तो वो पब्लिश हो गई। तो क्या सिम्टम्स होंगे डायबिटीज़ के? मैक्सिमम टाइम्स यू विल सी 90% ऑफ पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ आर एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं होता है इनको। सीधा आंखों के डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा धुंधलापन चल रहा है, वो बोल रहा है ठीक है लेंस में लग रहा है मुझे कैटरेक्ट है, शुगर करो, वहाँ शुगर निकलती है। एक लेडी जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, मुझे जी जेनाइटल एरिया में इचिंग है, तो वो एग्जामिनेशन करती है, एंटीबायोटिक्स दे दिए, यूरिन एग्जामिनेशन, उसमें निकलता है शुगर प्लस, बोरी शुगर करो, वहाँ से डायबिटिक पर। पेशेंट आता है मुझे जी फोड़े नहीं कर रहे, रेकरेंट अल्सर्स, ठीक नहीं हो रहा है, डर्माटोलॉजिस्ट ने बोला शुगर टेस्ट करो, डायबिटीज़ निकला। ऑर्थोपेडिशियन के पास पेशेंट गया, उसको चोट आई, गिरा, उसके बाद पैर में ज़ख्म हुई, 3 महीने से ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न? तो वो बोल रहा है ज़रा शुगर टेस्ट करो, वहाँ से डायबिटीज़ निकला। सो इंसिडेंटली मैक्सिमम पेशेंट्स को डायबिटीज़ निकलता है। 10% पेशेंट्स, देर आर 10% पेशेंट्स हु आर डायग्नोस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक सिम्टम्स। ऑस्मोटिक सिम्टम्स मीन्स दे हैव पॉलीयूरिया, पेशाब ज़्यादा आता है, पॉलीफेजिया, भूख ज़्यादा लगती है, और पॉलीडिप्सिया, मुँह सूखता है। मेनी पेशेंट्स जो पहली बार आते हैं, ऐसे पेशेंट 400-500 शुगर होती है, मेहनत से दूध से, दे टेक लॉट ऑफ वाटर, दे आर डिहाइड्रेटेड एंड दे हैव लॉट ऑफ यूरिनेशन, एंड मेनी लेडीज दे विल टेल अस मिश पेशाब जाए वहाँ कश्म। सो दैट इज द श्योर शॉट इंडिकेशन दैट दिस लेडी इज हैविंग डायबिटीज। सो और बहुत सारे पेशेंट्स को लेंसेज का चेंज होता है, विजन प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम मरीजों को इंसिडेंटली वो टेल देम कि जब शुगर कंट्रोल हो तब आंखों का चेकअप कराओ, अनलेस देयर इज एन एमरजेंसी, रेटिनल डिटैचमेंट है या ब्लाइंडनेस है। क्योंकि जब आपके शुगर्स फ्लक्चुएट रहते हैं, कभी 300, कभी 400, कभी अभी 80 पे आएगा, उस वक्त लेंस में जो रिफ्रैक्टरी इंडेक्स है लेंस का, वो चेंज होता रहता है। जो ऐनक आपको डॉक्टर साहब देगा वो ठीक नहीं रहेगा, कभी आपको धुंधला लगेगा, कभी ठीक लगेगा। जब स्टेबल शुगर्स हो जाएंगे, HbA1c ठीक हो जाएगा, तब आप ऑप्थमोलॉजिस्ट के पास जाइए और फिर लेंस लगवाइए। बिकॉज जो शुगर एक्सेस होता है वो एल्डोस रिडक्टेस एंजाइम जो आंखों के लेंस में है उसको कन्वर्ट करता है, और उसमें वो ज़्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता है। दैट इज़ वाई वी टेल द पेशेंट लेंसेज बाद में लगाओ जब आपका शुगर स्टेबल कंट्रोल में आ जाए। तो क्या वजह है कि सारी कॉम्प्लिकेशन ऐसी जो हैं इस डायबिटीज़ की वजह से, अगर आप ठीक तरह से कंट्रोल नहीं करेंगी आंखों में जो ये छोटी वेसल्स हैं हमारे जिस्म में जिनका साइज छोटा है, उसको बोलते हैं माइक्रो वेसल्स। आंखों की जो वेसल्स हैं
उनमें रेटिनोपैथी हो जाती है, आंखों की वेसल्स, उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। और छोटी जो नसें हैं किडनीज को सप्लाई करती हैं उसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और जो छोटी नसें हैं जो सप्लाई करती हैं आंखों को और जो किडनीज को और नर्व्स को, नर्व्स में, तो उसको बोलते हैं न्यूरोपैथी। तो ऐसे पेशेंट्स को आप आपके पास आ गए, मे चु बसान बहु सीमटस पे पकान, मे ना हसी जंगन, मे शीन बसान खोन, दे विल वॉक ऑन बेयर फुट, चलेंगे पता ही नहीं, सेंसेशन भी नहीं। मज़े की बात, एक बार मज़े की बात नहीं है, दुख की बात है, हमारे पास एक मरीज था एडमिट, उसको इतने डायबिटिक फुट की वजह से जो अल्सर्स हुए थे और उनसे फिर स्लफ निकल रहा था बदबू, तो घर में जो चूहे थे देवर ईटिंग दैट स्लफ, और उससे इतनी बदबू थी कि घर वालों ने उसको बाहर रखा, बोला अब हम नहीं इसका केयर कर सकते। अल्टीमेटली ही हैड टू डू एम्पुटेशन एट बरजला हॉस्पिटल। सो दिस इज व्हाट डायबिटिक फुट, सो डायबिटिक फुट इज नॉट अ मेयर पेडिस्ट्रियन प्रॉब्लम, इट्स अ, इसकी बहुत सारी वजूहत है। हम पेशेंट्स को पहले जब देखते हैं तो उनका फुट भी देखना ज़रूरी है डायबिटीज़ का। तो मेरे उस्ताद ने पीजीआई में बताया कि जब भी भट्ट साहब पेशेंट डायबिटीज़ का देखे गए उसका मोज़ा निकाला करो, उसका जुराबा ये सॉक्स निकाला करो। हाउ मेनी टाइम्स हमारे डायबिटिक पेशेंट्स दे इंस्पेक्ट अवर देयर फीट इन द इवनिंग, कभी नहीं। पेशेंट्स जब शाम को घर में आए, देख पहले तो कभी नंगे पैर चलना नहीं है, नेल्स अच्छी तरह काट लेने, ये टिप्स की जो यहाँ वहाँ, ही शुड नॉट इंट्रोड्यूस देयर कट्स। और उसके बाद जूता एक नंबर ज़्यादा लूज रखना है, और फिशर्स अगर हैं, बुनियॉन्स हैं या बुनियोनेट्स है, हैमरिंग हैमर टोज है, क्लॉज हैं, शाम को ये नारियल तेल या कोकोनट ऑयल या जैतून तेल वो मलना है, धोना है, फिर साफ रखना है। दिस इज डायबिटिक फुट केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे मरीजों को वो करते नहीं हैं। अपार्ट फ्रॉम ओबेसिटी जो अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, वी आर सीइंग अ कंपोनेंट ऑफ डायबिटीज व्हाट वी कॉल्ड मेटाबॉलिकली ओबीज लीन इंडियन फिनोटाइप, या जिसको बोलते हैं एशियन इंडियन फिनोटाइप। वो बिल्कुल थिन बंदा लगेगा आपको, नॉर्मल वेट है 60-70, 50-60 किलो, कोई ओबेसिटी नहीं है, बट मेटाबॉलिकली ओबीज। तो ये एक फिनोटाइप है जो इंडिया में ज़्यादा रूरल एरियाज में है, उनको वेट ज़्यादा नहीं है, दे आर हैविंग विसरल फैट, जो इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ विसरल फैट, एंड दिस विसरल फैट इज सीन मेनली इन द ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो एब्डोमन में है, एंड दिस इज कॉजिंग इंक्रीज इन द इंट्रामायोसेलुलर लिपिड कॉन्टेंट विच इन टर्न इज कॉजिंग डायबिटीज। सो नाउ वी आर सीइंग नॉट ओनली अर्ली ऑनसेट डायबिटीज, एटलीस्ट अ डिकेड अर्लियर वी आर सीइंग अ मेटाबॉलिकली ओबीज लीन फिनोटाइप डायबिटीज पेशेंट्स, एंड थर्ड इज वी आर सीइंग हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो अक्रॉस द इंडिया जो स्टडीज हुई, नॉर्थ साउथ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में, राइस इंटेक इज़ वेरी हाई, और आमतौर से वेस्टर्न पॉपुलेशन में देख रहे हैं पोस्ट पेंडल शुगर्स, जो खा पी के शुगर्स जो होते हैं लगभग मैच करते हैं। अगर किसी का शुगर फास्टिंग 100 है तो खा पी के 160 तक ठीक है, लेकिन हमारे मरीजों को अगर पेशेंट फास्टिंग सुबह आता है 100 या 110, पोस्ट पेंडल देखेंगे आपको 200 भी होता है, किसी को 300 भी, बिकॉज वी टेक लार्ज अमाउंट ऑफ राइस, वी टेक लार्ज अमाउंट ऑफ राइस, और बोलस मील्स हम ज़्यादा लेते हैं, एक ही बार लेते हैं। सो डायबिटीज़ का जो फंडा है फॉर ट्रीटमेंट फॉर मैनेजमेंट इज नो फास्टिंग नो फीस्टिंग, जो हम कभी नहीं करते, नो फास्टिंग नो फीस्टिंग। सो यूजुअली वी फॉलो अ 3+3 मील पैटर्न, कि पहले ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट शुड ऑलवेज बी लाइक अ किंग और अ क्वीन, एंड डिनर शुड ऑलवेज बी लाइक अ बेगर, दिस इज फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। सो ब्रेकफास्ट में अगर आप ले रहे हैं 2 अंडे बॉयल करके विदाउट योग, इफ़ यू डोंट हैव अ किडनी डिजीज, 2 रोटी 2 कप चाय, देन एट 10 बजे एक स्नैक,
biscuits, chai. Then at lunch, you can take multigrain atta ki roti ya any other roti with salad, sabzi, and chicken piece ya meat piece. Proteins ki problem nahi hai jab tak kidney function theek hai. Then at 4 you can take a cup of tea with Mary biscuits or sugar free biscuits. And then at 8:30 you can take rice. Agar aap shaam ko better hai roti lein dopahar ko rice, kyunki shaam ko jo post dinner jo hota hai usme leptin hormone zyada nikalta hai, to leptin ki wajah se sugar zyada ho jati hai. So it is better to take dinner light, very light dinner, or heavy breakfast. Breakfast like a king and dinner like a beggar. Or far baad mein fir bedtime snack sote waqt. So 3+3 meal pattern follow karke with exercise. To exercise ka funda yahi hai ki at least 45 minutes a day a patient should walk minimum 5 din hafte mein. तो या अगर टाइम नहीं है, कोई ऑफिस में है या यूनिवर्सिटी में है, एटलीस्ट आफ्टर 1 आवर दे शुड मूव देयर बॉडी फॉर 3 मिनट्स. अगर डॉक्टर साहब ऊपर ऑफिस में है, नीचे जाएं, अगर नीचे हैं ऊपर जाएं, 3 मिनट तक अपनी बॉडी को मूव करें आफ्टर एवरी 1 आवर. दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो वट वी सॉ इन दिस स्टडी एज आई वॉज टेलिंग यू कि यूथ ऑनसेट डायबिटीज अब ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ पे. और मॉर्टेलिटी इन डायबिटीज मैंने अब वी डिस्कस्ड कि स्टिल अमेरिका में पेशेंट्स मरते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ से, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, SLE है, बाकी है, HIV है. हमारे पेशेंट्स अभी भी इन्फेक्शन से मर रहे हैं. 21वीं सदी में अभी भी वी आर गेटिंग पेशेंट्स हु आर डाइंग बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन. 47% ऑफ पेशेंट्स इन 2 ईयर्स इन SMHS हॉस्पिटल हु आर एडमिटेड विद डायबिटीज, दे डाइड बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन. एंड 9% died because of strokes. So as I was telling you, this is what they call the thrifty gene hypothesis. एक genetic component भी है diabetes का. कहते हैं कि there are some hormones in our body जिनको during the era of famine, जब हमारे पास कुछ खाने को नहीं था, they started storing energy. तो वो genes जो थे हमारे body में, they have gone heavy. अब हमें इंस्टेड ऑफ वी आर हैविंग फेमिन के बदले हमें फीस्ट है इस वक्त, वी आर हैविंग फीस्ट. सो डेस्पाइट फीस्टिंग दीज जीन्स हैव गोन हेवी, दे आर नॉट रिमेंबरिंग, दे आर स्टिल स्टोरिंग एनर्जी. सो दिस इज वॉट दे कॉल द थ्रिफ्टी जीन हाइपोथिसिस. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ डायबिटीज, कि आपके जीन्स वो क्या कहते हैं, केमिकल लोचा हो गया उनका. पहले उनको स्टोर करनी थी एनर्जी, अभी भी कर रहे हैं, अभी इनको करनी नहीं थी, अभी भी कर रहे हैं. देन वी हैव व्हाट वी कॉल बार्कर्स हाइपोथेसिस. बार्कर्स हाइपोथेसिस नथिंग, फीटल अंडरवेट जो है, अगर आप देखेंगे जो बच्चे जो जिनकी माओं को डायबिटीज होता है, अगर उनके बच्चे जब पैदा होते हैं अगर उनका वेट कम हो, तो फ्यूचर में वो बच्चे उनको डायबिटीज होता है. इट्स मैटरनल माल न्यूट्रिशन और इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो है बच्चे, उनको बड़े होकर 40 साल 20 साल के बाद डायबिटीज़ होता है. कुछ डिजीज ऐसी हैं जो मार्कर हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की और डायबिटीज़ की. जैसे आपने किसी पेशेंट को सोरेसिस देखा, कोई भी सोरेसिस पेशेंट ऐसा नहीं होगा जिसको बाद में डायबिटीज़ नहीं होगी. अब जेनेटिक कंपोनेंट तो है, फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो जो एट रिस्क है, देयर इज डेफिनेटली अ रिस्क, बट दैट विल बी एग्रीवेटेड बाई ओबेसिटी एंड सिडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड पुअर डाइटरी हैबिट्स. तो हमारे अब आप बताएंगे यहाँ क्या हाल है. जो ये काफ़ी सारी स्टडीज़ है, मैंने उनको निचोड़ के इस पर लिखा. आई डू नॉट वॉन्ट टू बोर यू. जो प्रॉब्लम्स डाटा है डायबिटीज़ का इन कश्मीर में, 8 से 10% जनरल पॉपुलेशन, इस वक्त 12 भी हो सकती है, आर सफरिंग फ्राम डायबिटीज़. और प्री डायबिटीज़ 10 साल पहले 27% थी. अमेरिका में इस वक्त जो जवान लोग हैं, 45% आर प्री डायबिटिक्स. अमेरिकन एडोलसेंट्स 45% आर हैविंग प्री डायबिटीज़. प्री डायबिटीज़ क्या गो? प्री डायबिटीज़ गो शुगर शु जामुत मगर वंचुन द्रामुत. दिस इज़ व्हाट आई टेल द पेशेंट्स, शुगर शु जामुत मगर वंचुन द्रामुत. तो एनी HbA1c मोर देन 6.5 मीन्स डायबिटीज़.
HbA1c 5.7 मीन्स नॉर्मल, तो जिस पेशेंट का HbA1c 5.8 से 6.4 तक है दैट इज प्रीडायबिटीज। फास्टिंग शुगर हाथ गो नॉर्मल, अखत शतु गो डायबिटीज, बिटवीन 101 टू अखत पुंजु गो प्रीडायबिटीज यानी इम्प्योर्ड फास्टिंग ग्लूकोज। खेत चत दोई घंटे गो अखत चतजी नॉर्मल, जहत गो डायबिटीज, अखत अखतज पे अखत नमनमत तान गो इम्प्योर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। गो इम च बज इम्प्योर्ड फास्टिंग ग्लूकोज तो इम्प्योर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस ये इक्वटे रलान इम बनाना प्रीडायबिटीज। सो दिस इज वट वट इज प्रीडायबिटीज, इट्स अ फोर रनर ऑफ डायबिटीज। एक देर वॉज वन स्टडी ऑन प्रीडायबिटीज, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ प्रीडायबिटीज। बहुत सारे पेशेंट आएंगे आपके पास, मे द्राव HbA1c 5.8, फास्टिंग अखत दह मे क्या गए। सो प्रीडायबिटिक पेशेंट जो परहेज करे, चार साल तक देखा एक स्टडी, जो परहेज करे चार साल के बाद उन्हें देखा 20% को तो भी डायबिटीज हो गई, 40% को वहीं पे रह गया, अटक गया, इंप्रूव नहीं हुआ, और 40% को ठीक हो गया। सो जो 20% प्रीडायबिटिक थे चार साल के बाद डायबिटिक हो गए, एक्सरसाइज भी की परहेज भी किया, वो कौन थे? जिनका वेट ज्यादा था, जिनका हाइपरटेंशन था, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई था, जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा था, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज थी, या जो प्रेगनेंसी में जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज हुआ था। ये ऐसे मरीज हैं जो प्रीडायबिटिक होके भी चार साल बाद डायबिटिक बन गए। 40% ऐसे भी थे जो परहेज से वहीं पे रहे, और 40% को रिवर्सल टू नॉर्मोग्लाइसीमिया। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ आज की डेट में, नाउ वी से डायबिटीज इज प्रिवेंटेबल। व्हाई वी आर सेइंग, 10 साल पहले देयर वाज अ थिंकिंग दैट वंस यू आर अ डायबिटिक यू आर ऑलवेज अ डायबिटिक। सो व्हाट वी आर सेइंग, एट द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज देयर इज 50% डेथ ऑफ बीटा सेल्स, देयर इज प्रोग्राम्ड बीटा सेल डेथ और बीटा सेल अपोप्टोसिस। जो आपकी बीटा सेल्स है पैनक्रियाज की जो इंसुलिन निकालती हैं, जब आपको डायग्नोज हो गया डायबिटीज, वो जी 50% पहले ही मरी हैं, और 50% विद इन 10 ईयर्स मरती हैं, तो 10 साल के बाद ऐसे मरीज को इंसुलिन लेना पड़ता है। बट नाउ वी नो व्हाट इज व्हाट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कॉल द पैनक्रियाटिक बीटा सेल प्लास्टिसिटी, कि अगर आपके वेट बहुत ज़्यादा है और आपने 10% वेट लॉस किया, आपको पहले डायबिटीज हुआ पहली बार 10% वेट लॉस किया आपने, जो आपकी ये पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं ये डी डिफरेंशिएट हो गई थी अल्फा सेल्स में, अल्फा सेल्स ग्लूकागन निकालती हैं तो बीटा सेल्स इंसुलिन निकालती हैं। वेट लॉस और वेरी लो कैलोरी डाइट की वजह से ये अल्फा सेल्स वापस बीटा सेल्स बन गई, रिजनरेशन हो गई इनकी, और जो बीटा सेल्स थक गई थी उनकी एग्जॉशन हो गई थी वो अपना काम शुरू करने लगी। सो डायबिटीज इज रिवर्सिबल if you treat it at an early stage, diabetes is preventable if you take precautions, but once you get complications of diabetes then you cannot prevent them. That is my motto of coming here to tell you this, that diabetes is preventable, complications of diabetes are not preventable. Please take care. If you are having risk factors for diabetes, take care of those risk factors. So as I was telling you, in US you are having so many 80% of deaths are occurring because of obesity. And cost of care ki main baat kar raha tha, this data is 10 years old. Mean expenditure jo urban areas mein 10,000 aur rural areas mein 6,000, here it must be now almost triple in this era. So cost of care on diabetes, who will unless insurance nahi ho patients ka, who will get? That's why then they say nurses become generic medicine. Yeah, then they will tell you ye dawa hai ka khat, I cannot name what they say, so bah ka hi khat. So what will you tell them? That's because there are so many issues. We say, well agar na yit kin chukha to ikhe yoh dawa sastu boli khaitan to magar khai, instead of taking nothing at least let him take this medicine. So uncontrolled diabetes can, as I was saying, will cause kidney disease, will cause eye disease, will cause heart disease and limb amputations, diabetic foot disease. There is no organ which is not affected by diabetes. So if you take care of your diabetes, you will be taking care of your whole body. I tell my patients, agar ch sugar is control karak, agar ch khuda rishin ka dood aishin gasan wo chenani guanyat,
दह वरी ब्रो बजाय इसके कि तमिस पेशेंट टेस्ट जान कर वो सही वक्त पे सही इलाज इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर डायबिटिक पेशेंट्स. दिस इज द एक्सपेंडिचर नाउ इन आवर कंट्री विच इज बींग स्पेंट ऑन डायबिटीज. सो मच इज द बर्डन बिकॉज एवरी ईयर लॉट ऑफ पेशेंट लोड इज इंक्रीजिंग. डॉक्टर्स इतने ही हैं, पेशेंट लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, फैसिलिटीज नहीं है. सो वी नीड टू हैव एन ऑप्टिमल मैनेजमेंट टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स, टू प्रिवेंट स्ट्रोक्स, टू प्रिवेंट आई डिजीज, किडनी डिजीज एंड नर्व डिजीज, टू प्रिवेंट लिम्ब एम्पुटेशंस एंड डायबिटिक रिलेटेड डेथ्स. सो एवरी एच बी ए वन सी परसेंटेज काउंट्स. तो पहले कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि एच बी ए वन सी क्या है. Now every patient knows nurse me course train ratun hind. Many patients will tell you nurse korin pha ke sugar test ke mezur me train ratun hind kirit. So knowledge is also increasing, but at the same time many times we have to do real time sugars also. Many laboratories are doing these HbA1c fallaciously. So it has to be done by a particular method, HPLC method. It should be certified by NSGP criteria. So always do tests from a good accredited lab. That's very important. And I tell my patients, laboratory badle you three. Don't do from every, because I had one patient, I will tell you an interesting story. He was from Kunzer. So he came menas par ki kasa me over soka me over soka fasting sugar 80, 2 mahine baad 81, uske baad 1 mahine baad 82. Maine kaha ye kya chhe har do asa shida sugar magar ya pochu sorry sugar to theek ya pochu symptoms balai se kya hona. Well, ims karo random sugar we did from a glucometer. It came 400. They have been hasman in it. There's another important problem with our patients. They say glucometer should galat hawa. The laboratory people have told them, you should sorry galat. You guys should zain am sit kar. So I told him, okay, you go tomorrow to three labs and do fasting sugar from three different labs. And it came 400 from every 410, 420. And his creatinine, which was mentioned 0.8, by that lab from his village, it was 3, and then 6 months later it was 6 and he was on dialysis. So it's very important to do investigations from a good laboratory. What our problem is in our cities, in our valley, especially in the city, we think is a health burden, your health pitch spending here, you should burden a doctor when is which may theek but may ski falling doctor last rupee. کیازِ بہٕ بوزان تٔمِس ؤری گژھان مےٚ چھَنہٕ فرقٕے. ہی ڈزنٹ سے نیٖدر ایٖز ڈوٗیِنٛگ ٹیسٹٕس پراپرلی نار ایٖز ٹیکِنٛگ میڈِسنٕز بٹ ٹُو سپینڈ آن ہیلتھ اِز اِٹس لایک اِٹس این اینتھیٖما اِٹس ہی فیٖلز دیٹ آی ہیو بیٖن رابڈ اِن یوٗ سی فرٛام اِن اَدر سٹیٹٕس یوٗ سی اِن دَ ویسٹ یوٗ سی اِن دَ ساوُتھ اِنڈیا دے ہیو اَ جیسے فیملی بجٹ ہوتا ہے نا فار ہیلتھ بجٹ دے کیپ اَ سیپریٹ منتھلی یہ جی جیسے ہم رکھتے ہیں یہِ گوٚو بِجلی فیٖس یہِ گوٚو واٹر فیٖس یہِ بجٹ ہیلتھ بجٹ کوٚر رکھتا ہی نہیں. وی ڈونٛٹ کیٖپ اَ ہیلتھ بجٹ کہِ اگر مجھے کوٚر ایمرجنسی آیے وٹ شُڈ آی ڈوٗ. سو وی ٹیک اِٹ ایز اِز ایس آی اے ہیلتھ پے خرچ کرنا ہمارے لیے اِز اَ بٔرڈن اِٹس ناٹ دے وِل گیٹ برینڈِڈ تھِنگس فرام ویریس رِٹیل سٹورز بٹ دے وِل ناٹ گیٹ اَ گُڈ برینڈِڈ ٹیسٹ فرام اَ برینڈِڈ لیبارٹری. فار دیٹ دے وِل سے یہِ چھُ ہیٚوان زیادٕ. ابھی آپ دیکھیں دیر اِز اَ مشروٗم گروتھ آف لیبارٹریز اِن دَ سِٹی. دیر اِز نو کالٹی کنٹرول. اگر آپ پیشنٹ کو ایک ٹیسٹ بولو گے ایک لیبارٹری دِکھایے گا 7% ایچ بی ایم سے ایک دِکھایے گا 8 ایک دِکھایے 6. آی ہیڈ ون پیشنٹ ہی ہیڈ گون ٹو اَ فِزِشن اس نے دِکھایا اس کو ایچ بی ایم سی 8% اور شُگر ٹیسٹ اس نے کیا ہی نہیں تھا. سی اِٹس امپارٹنس آف ڈوٗیِنٛگ اَ ریل ٹایم شُگر آلسو. تو ڈاکٹر صاحب یہِ واز اَ سیٖنیر ڈاکٹر ہی سیڈ ایچ بی ایم سی چھُ 8% میٖنٕز ڈاے ہَتھ چھُ شُگر. اُس نے اس کو دوایہِ ٹھوکی شُگر گولی صُبح شام. اِن دَ اِونِنٛگ یہِ واز ایڈمِٹِڈ اِن ایس ایم ایچ ایس ہاسپِٹل وِد اَ شُگر آف 40 کیونکہِ وہ ایچ بی ایم سی رِپورٹ غلط تھی. ہی واز ناٹ اَ ڈایبِٹِک, ہی واز جسٹ اَ پری ڈایبِٹِک. سو آلویز ونس وی ڈایگنوز اَ ڈایبِٹِک ہم کہتے ہیں پیشنٹ کو دۄیہِ لَٹہِ گژھِ ٹیسٹ کَرُن. If you have a fasting sugar of more than 126 on more than one occasion, then you are a diabetic. Or if you have a sugar of more than 200 with symptoms of polyuria, polyphagia, polydipsia, osmotic symptoms, dudsu, tresh, dehydration,
पिशाब ज्यादा दिन वेट लॉस वेट लॉस आसुन बे मल ठीक आसुन इफ यू हैव वेट लॉस बे आसुन मल किहिं दैट्स यूजुअली अ मैलिग्नेंसी या एचआईवी मगर अगर पेशेंटस वेट लॉस छु मगर मल छु असल जई चीज या छु डायबिटीज ना छु थायरोटॉक्सिकोसिस हाइपर फंक्शन ऑफ द थायराइड सो इंक्रीज एपेटाइट एंड वेट लॉस इट्स ऑलवेज अ मार्कर ऑफ ईदर डायबिटीज और हाइपरथायरॉयडिज्म और ग्रेव्स डिजीज सो दिस हैज टू बी टेकन केयर ऑफ सो पेशेंट को पता अगर HbA1c किया शुगर किया ऑलवेज पहली बार किसी को आप डायग्नोज कर रहे हो डायबिटीज उसको दूसरी बार हमेशा दो बार टेस्ट कीजिए देखने के लिए क्या वाकई उसको क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग लेबल है उसके लिए तो इफ यू सी जैसे मैंने बताया इम्प्रूव्ड शुगर्स विल डेफिनेटली डिक्रीज द कॉम्प्लिकेशंस माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो छोटे नसों की बीमारी है आंखों की हार्ट की और नर्व्स की देखा गया है इट विल डिक्रीज इफ यू हैव अ गुड मल्टी मॉर्टेलिटी कंट्रोल बट मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जो बड़ी नसों की बीमारी है ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका डायबिटीज अच्छा कंट्रोल हो तो वो प्रिवेंट हो जाएंगी उसके लिए आपको मल्टी मॉर्टेलिटी ट्रीटमेंट है अपार्ट फ्रॉम कंट्रोल ऑफ डायबिटीज यू शुड हैव अ गुड लिपिड कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल ठीक होना चाहिए गुड BP कंट्रोल ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए तो आगे जाके आई विल टेल यू रिस्क फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए बाय नाउ एवरीवन नोज ओबेसिटी अब तो हम एज मोर देन 30 कहते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज हाइपरटेंशन सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्मोकिंग हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज दीज आर द रिस्क फैक्टर्स और अगर आपके पास वंस यू गेट डायबिटीज यू नो इट्स अ लॉन्ग जर्नी बट घबराने की जरूरत नहीं है देयर इज नथिंग टू वरी डायबिटीज इज प्रिवेंटेबल इफ यू हैव गॉट इट यू कैन प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस देयर इज नो नीड टू गेट पैनिकी यू कैन कंट्रोल यूर शुगर्स यू लर्न टू मॉनिटर ऑलवेज ग्लूकोमीटर्स आर गुड ग्लूकोमीटर्स जो वेरी कैलिब्रेटेड ग्लूकोमीटर्स आर दे आर हैविंग ऑलमोस्ट सेम लेवल्स जो बाजार से मिलते हैं प्रीवियसली वी वुड से एक अगर बाजरू हाँ पेशेंटस शुगर हथ ग्लूकोमीटर गावन अखत दह इन फास्टिंग स्टेट लेकिन खाने पीने के स्टेट में ये डिफरेंस ज़्यादा है फैट स्टेट में 40 से 50 तक अगर आप रैंडम किसी को करेंगे ग्लूकोमीटर से रैंडम आया उसको 180 उस मीटर ग्लूकोमीटर से आ जाएगा 220 तक लेकिन फास्टिंग में ग्लूकोमीटर और कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज की अच्छी कोरिलेशन है 100 अगर बाजार से आया वीनस प्लाज्मा जो यहाँ से निकाला वेसल से और यहाँ से कैपिलरी होल ब्लड किया यहाँ से आएगा 110 यहाँ से आएगा 100 तो ये ठीक है इसमें ये ग्लूकोमीटर आपका गलत नहीं है अगर कई पेशेंट्स ऐसे भी साइकिक होते हैं एक बार प्रिक किया मिहजाव नमत पत्ज कर मैं बे 10 मिनट बाद अत हजाव 70 पत्ज कर बे 5 मिनट बाद अत हजाव 80 सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी इज इंपॉर्टेंट प्रेसिजन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का प्रेसिजन और एक्यूरेसी होती है ये लेस देन 3% होना चाहिए अगर आपका शुगर आया 90 दो मिनट बाद आपने किया इट शुड कम 93 या दो मिनट पहले इसके बाद किया इट शुड कम 87 तो कोफिशेंट ऑफ जो प्रेसिजन है ना जो कोफिशेंट ऑफ वेरिएबिलिटी किसी की इंस्ट्रूमेंट का भी है वो इट शुड बी लेस देन 3% अगर ऐसा है तो आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जब आप ग्लूकोमीटर यूज़ कर रहे हो जब आपका उसका डब्बा जो खोलते हो जिसमें स्टिक्स हैं वो फिर 3 मिनट तक कंज्यूम करना चाहिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट अन हज अच्छा ग्लूकोमीटर तथ अनम स्टिक तम पेरस अनम तथ मौजूद सो वट्स द पॉइंट डूइंग इट एंड वन पेशेंट टोल बी ने शुगर मोबाइल दे कॉल इट शुगर मोबाइल तो मगर टेस्ट तमें करा कहें सो यू हैव टू यूज दिस शुगर मोबाइल इफ यू हैव इट एट होम डोंट कीप इट आइडल सो यू नीड टू मेक लाइफ स्टाइल चेंजेस देन यू विल बी ओके सो फोकस इज ऑन डाइट एक्टिविटी एंड बिहेवियर तो चार रूल्स है बिफोर आई थिंक आई एम नॉट टेकिंग योर टाइम बोर तो नहीं हो गया कोई सो ABCDEF यही हमारे रूल्स हैं ए फॉर HbA1c लेस देन 7 दो देर इज नथिंग लाइक वन साइज फिट्स ऑल बट एज ए जनरल वी से HbA1c लेस देन 7 ठीक है वही होना चाहिए डायबिटिक का लेकिन बहुत सारे 80 साल का मरीज है घर में कोई नहीं है माँ बाप ये बेटा डॉक्टर है USA में है बेटी को शादी हुई है वो दुबई में है
घर में अकेला एक सर्वेंट है, वो ही इज़ नॉट टेकिंग केयर, आप क्या करें? वो HbA1c उसका 7% रखेंगे आप? नहीं, उसका 8% भी ठीक है, केयर गिवर नहीं है घर में, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, कौन हु विल टेक केयर ऑफ हर? सो इन दिस कंडीशन एल्डरली है, कोमॉर्बिड इलनेस है, हाइपरटेंशन भी है, याददाश्त कम है, नज़र नहीं आता है सिरिंजेस का, कैसे इंसुलिन करना है, कोई करने वाला भी नहीं है, शाम को नौकर को बोलते हैं, व्हाट्सएप पे फिर वीडियो कॉल होती है, बेटे दिखाता है कि ऐसे करना है, फिर वो ऐसे करते हैं, फिर करता है, दिस इज़ व्हाट आई सी एवरी डे, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग आई सी सच काइंड ऑफ सिचुएशंस, एजुकेटेड पीपल पेरेंट्स लेफ्ट विदाउट एनी वन टू लुक आफ्टर देम, दिस इज़ हैपनिंग इन द हार्ट ऑफ दिस सिटी। सो ऐसे पेशेंट को HbA1c लेस देन 8% भी ठीक है, लेकिन बंदा है तगड़ा, जवान है, 40 years old है, नो कोमॉर्बिड इलनेस, एथलीट है, फुटबॉल खेलता है, काम करता है, नो अदर इलनेस, फैमिली सपोर्ट सिस्टम ठीक है, अर्निंग भी ठीक है, उसके लिए नियर नॉर्मल HbA1c 6.5 शुड बी द टारगेट। सो फ्रॉम अ पेशेंट सेंट्रिक ग्लूकोज सेंट्रिक अप्रोच वी हैव मूव्ड टू एन एरा ऑफ पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। प्रीवियसली 10 years बैक वी इट वॉज ग्लूकोज सेंट्रिक कि HbA1c लेस देन 7 हर एक को, दैट्स नॉट नाउ ट्रू, नाउ वी आर पेशेंट सेंट्रिक, फ्रॉम ग्लूकोज सेंट्रिक अप्रोच वी हैव मूव टू अ पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। बड़े को क्या होना चाहिए, छोटे को क्या होना चाहिए, प्रेगनेंट लेडी को क्या होना चाहिए, एल्डरली लेडी को क्या होना चाहिए, जो घर में अकेली है उसके इसके उसको क्या होना चाहिए। सो स्ट्रक्चर्ड दिस रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन हैज़ टू बी डन, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज के बारे में हमने डिस्कस किया, and this coca-colization and this you have to prevent it. I remember I had one once we were with Dr. Fayaz Shawl, he gave a talk on health modification and the cardiovascular disease. He said his children must have been in 10th 12th. He said mission winning children, they don't have this iPad or mobile, they don't have, and they don't take these chocolates or this. So such is the level of understanding at such. But here, if you have a waiting hall में आपके patient है, उसका बच्चा शोर करता है, वो husband को बोलती है, चलो बोनगस चिप्स पैकेट आप एनिमिस, यू कैन शॉप। दिस इज वॉट इज आवर थिंकिंग। सो डायबिटीज प्रिवेंशन इज पॉसिबल एज आई वॉज टेकिंग सिंपल स्टेप्स। इफ यू आर ओवर वेट, लूज दैट वेट, फॉलो अ डाइटी हेल्दी प्लान, देयर इज नो सच थिंग एज ए हेल्दी डाइट प्लान। अगर हम मरीजों को कहेंगे कि डाइट प्लान नहीं है, वो बोलते हैं कि तेल कैश में दूध चौथोन में परहेजी। तो आई हैड वन पेशेंट, उसको मैंने बोला परहेज खास के चर्बीदार चीज काम करें, तिलदार चीज काम करें। शी वेंट आउटसाइड एंड शी स्टार्टेड वीपिंग और पत्थर दुन पान दे। शी सेड डॉक्टरन थोन मे परहेजी क्या, तो एम दोप सोरी हक ऐसे खेत म्यामा कैंसर। सो एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट एज आई सेड, मूव योर बॉडी एवरी वन मिनट फॉर एवरी आफ्टर एवरी वन आवर और 45 minutes ए डे, एंड स्टॉप स्मोकिंग एंड कंसल्ट योर डॉक्टर एट रेगुलर इंटरवल्स। फैमिली सपोर्ट सिस्टम एज आई सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू हैव अ गुड फैमिली सपोर्ट सिस्टम, और जिसमें वो फैमिली में जो एट रिस्क है उसको भी फायदा आता है, क्योंकि जब हेल्दी डाइट लेने लगता है वो बंदा, जो एट रिस्क उसके बाकी रिश्तेदार है, बाप है, वो भी ठीक तरह से डाइट प्लानिंग करते हैं और दे गेट अ बेनिफिट, दिस हैज़ बीन शोन इन मेनी स्टडीज। तो दे शुड शेयर दिस ईच अदर्स कंसर्न्स फॉर अ बेटर हेल्थ आउटकम। So education is very important, as I told you, as far as prevention is concerned. So education and awareness of patients as well as family is very crucial, so that they can be treated early and you can prevent the complications. Because if you prevent complications by better disease management, by good control and improved in medical medication adherence and overall improvement in the lifestyle, that's very important. So as I was telling you, how family members will appoint you. 20% ऑफ इंडियन डायबिटिक्स आर ऑन इंसुलिन, लेकिन अभी भी देखिए इंसुलिन कितना महंगा हो रहा है। जो कार्ट्रिज इंसुलिन की पिछले साल 700 रुपये की थी, आज है 1000 रुपये की। जो इंसुलिन बॉटल लास्ट ईयर थी 150 की, जो सिंपल वायल थी, आज है 170 रुपीज़ की। अगर आप देखेंगे इथोपिया
सूडान में टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट जिनको इंसुलिन की अशद जरूरत है, दे डाई विद इन 8 मंथ्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज बिकॉज ऑफ व्हाट? लैक ऑफ इंसुलिन. देयर इज नो इंसुलिन अवेलेबल. बट इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, एवरी ईयर एट लीस्ट इंसुलिन वर्थ $1 billion इज वेस्टेड. वो जलाते हैं, इट्स नॉट यूज्ड. सच इज द लॉपसाइडेड पॉलिसी. जब तक हमारे पेशेंट्स को इंसुलिन नहीं मिलेगा, हाउ विल यू इम्प्रूव द आउटकम? हाउ विल यू? टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट आते हैं हमारे पास, दे डोंट चार बार करना है वो एक बार करते हैं, दो बार करना है वो एक ही बार करते हैं. अगर स्कूल में उनका करना है इंसुलिन, बोलते हैं स्कूल में फ्रिज है ही नहीं. इवन इन बिगर इंस्टीट्यूशंस दे डोंट, वी टेल देम हम लिख के देंगे आपको ब्रेक मिलनी चाहिए, उस वक्त आप इंसुलिन करेंगे. स्कूल अथॉरिटीज डोंट अलाउ. दे टेल देम नो, यू गो टू होम, वहीं करो इंसुलिन. सो दिस इज ऑल्सो अनदर इशू विच वी आर फेसिंग इन दिस पेशेंट. सो इफ यू हैव, एज आई वॉज टेलिंग यू, फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट विल हेल्प इन द फाइनल एनालिसिस. एंड दिस इज फाइनली आई वाइंड अप विद दिस, द रूल ऑफ A, B, C, D, and F. If you have an A1C of less than 7, B for blood pressure less than 130/80, C for LDL cholesterol less than 100, D for diet, जो हमने discuss किया, E for exercise, जो हमने discuss की, F for foot care, जो हमने discuss किया. I think we discussed all these A, B, C, D, E, F. If you follow this A, B, C, D, E, F, you will not get any complication of diabetes. And if you have are a newly detected diabetic, you are obese or overweight, if you lose weight, I am sure you, there is a chance with a low calorie diet you will get what you call remission of diabetes, or you will reverse diabetes. So remission of diabetes and remission of diabetes or prevention of diabetes is now a new thing. If someone is obese, someone is having 10% extra weight, he loses this 10% extra weight, does exercise, diabetes can go into remission. But once diabetes has occurred, you have to take good care of it. There is no nothing to get panicky. But if someone does not take care of diabetes, diabetic complications will set in, cost of care will improve drastically, exponentially, and it will be a disaster for not only the patient but for the state, for the state exchequer also, because health spending will increase manifold. So together we can slow down this diabetes pandemic, or should I say the syndemic of COVID-19 and diabetes, because this syndemic of pandemic of diabetes and this COVID-19 is going together, and let us hope it goes into endemicity, and from a pandemic situation we move to an endemic situation. Are we prepared? I think the policy makers need to see this, that are we prepared, because the burden of patients is increasing, but healthcare workers are not being increased. We need new models of care for diabetes. Jo the conventional models which we are trying, we might have to do something out of the box. We are not yet having insurance facilities for our patients. We are not having medicine facilities for our patients. In remote areas, patients are not having access to insulin, access to medications, access to any tests. And so we have to make some primary prevention studies, because prevention is better than cure. So we have to educate patients if they are obese, if they have a family history of diabetes, if they have sedentary lifestyle, if they are smokers, if they are hypertensive, if they have dyslipidemia, if they have a family history of diabetes or history of diabetes in pregnancy. These are the target patients who should be asked how to prevent diabetes, to promote a healthier lifestyle, and especially in view of our diabetogenic environment. So we have also to prevent obesity, diabetes and hypertension, and so it needs a social as well as a political change at the fundamental level. And that's for that, as teachers, you have this responsibility in disseminating knowledge to the masses, to the your students, that what they need. You need to encourage and inculcate, educate about exercise and healthy lifestyle. Thank you very much.